नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार दिवस पर 22 मार्च को जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। बिहार दिवस पर सभी पूर्वी चंपारण वासियों को अभिनंदन। आज यहाँ पे मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था जिला प्रशासन की ओर से, और काफ़ी सारे युवा ज्येष्ठ नागरिक जो है पूर्वी चंपारण के लोगों ने यहाँ पे भाग लिया। स्वस्थ बिहार स्वस्थ चंपारण हमारा नारा है, साथ में जो बिहार की गौरव गाथा है इसको जो है हर व्यक्ति को जानना चाहिए, इसलिए आज ये सेलिब्रेशन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि राज्य सरकार के जो भी निश्चय है या जो भी संकल्प है, जैसे कि दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, मद्य निषेध, सात निश्चय का अध्ययन धरातल पे करना, इसमें जो है प्रशासन को सहयोग करिए, प्रशासन सदैव आपके सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। गांधी मैदान से बलुआ फ्लाईओवर होते हुए टाउन थाना गोलंबर से वापस आकर गांधी मैदान से पहले गांधी मूर्ति के पास फिनिश लाइन पर आकर मैराथन दौर पूरा हुआ। बिहार के गौरवशाली इतिहास में पूर्वी चंपारण की भूमिका और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की धरती पर युवाओं में मैराथन दौड़ के माध्यम से खेलों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जिला प्रशासन ने छेड़ा मुहिम, तो खुद DM ने भी मैराथन दौड़ का हिस्सा बने। महत्वपूर्ण व गर्व की बात यह है कि एक मजे खिलाड़ी एथलीट की तरह उन्होंने मिनी मैराथन के लिए तय की गई निर्धारित दूरी को प्रतिभागियों के साथ पूरा किया। बिहार दिवस को यादगार बनाने के लिए जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से ली है। मैराथन दौड़ में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौड़ में जिला खेल पदाधिकारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के शारीरिक शिक्षा शिक्षिकाओं के साथ साथ खेल प्रेमियों ने भी पूरी तत्परता से सहयोग किया। कार्यक्रम के पश्चात जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अपने संबोधन में चंपारण स्वास्थ्य बिहार स्वास्थ्य के नारे के साथ बिहार के गौरव गाथा के साथ बिहार सरकार के संकल्प दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, मध्य निषेध, सात निश्चय का अभियान के साथ साथ जिला प्रशासन का सहयोग इत्यादि संबंधित बातों पर ध्यान आकृष्ट किया। मैराथन दौड़ में महिला और पुरुष वर्ग से प्रथम 10 विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने प्रशस्ति पत्र के साथ साथ मोमेंटो देकर सम्मानित किया। महिला वर्ग से प्रभा कुमारी, शबीना खातून और उजाला खातून ने, जबकि पुरुष वर्ग से अभिजीत अंबर, मोहम्मद मोतीउल्लाह और शेख हसमुल्लाह ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त कमलेश कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा धीरज कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ साथ शिक्षक अरविंद कुमार, अमरीश कुमार, प्रीतेश, शैलेंद्र मिश्र बाबा, सुनील श्रीवास्तव, राशिद जमाल खान, अमरेंद्र मिश्र, पंकज वर्मा, संजय वर्मा, अनामिका कौशिकी और सुजाता कुमारी, मधु कुमारी इत्यादि की मौजूदगी रही। मोतिहारी से प्रभाकर निराला की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज जो है मैं सभी जो पूर्वी चंपारण के मेरे साथी हैं, विशेष तौर पर इस गांधी मैदान पे जो लोग प्रैक्टिस करते मैं देख रहा हूँ, इन युवाओं ने काफी अच्छी तरीके से इस मिनी मैराथन में, छोटी दौड़ है ये एक प्रतीकात्मक दौड़ है, बिहार दिवस को याद करने के लिए हमने इसको दौड़ा है। आज मैं समझता हूँ कि जो विनर है, वो जो पार्टिसिपेट किया है वो विनर है। उसने ये सोचा है कि हम ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। निश्चित जो पहले 10 छात्र है या छात्राएं हैं जिन्होंने इस दौड़ में भाग लिया है वो प्रशंसा के पात्र है, लेकिन मैं पुनः एक बार जो हूँ सभी जो स्पर्धा में भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बिहार एक गौरवशाली राज्य रहा है, जैसे अरुण जी ने पूरी इतिहास आपको बता दिया, पूरा इतिहास बता दिया कि हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। और कल आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने टॉक शो बिहार दिवस के लिए किया था, उसमें टॉपिक भी हमारा वही था कि बिहार का गौरवशाली इतिहास, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ। तो भविष्य की संभावनाएं तभी आएंगी जब हम चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, बहुत सारे चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, इसके अलावा नैसर्गिक चुनौतियां, आपदा जैसे चीज़ें भी हमारे साथ हैं, और मैनमेड कुछ आपदाएं जैसे कोविड जैसे भी जो चुनौतियां हैं ये हमारे सामने है। लेकिन अपार संभावनाएँ बिहार में इसलिए है कि बिहार का जो यूथ है, युवा है, उसका जज्बा जो है कुछ अलग है। हम बिहारी जो है
कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। हम बिहारी जो है कभी हार नहीं मानते हैं। इस दौड़ में भी आपने देखा होगा थर्ड रैंकर जो बच्ची आई थी वह गिर गई लेकिन फिर भी थर्ड आई, उसको अभी थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है। ऐसा जज्बा जो है पूर्वी चंपारण के लोग जो है युवाएं यहाँ पे लेते हैं, मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो दौड़े हैं उसमें से बहुत सारे लोग पुलिस आर्म फोर्सेस में जाए, इवन मैं ये भी समझता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, राजनेता, ये लोग भी देश के ही सेवा कर रहे हैं, मैं इन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एथलेटिक्स एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ, साथ में लायंस क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स बोध बलवा एंड मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स, डिफरेंट क्लब्स, यहाँ के जो है रोटरी क्लब, यस अमित जी हमारे साथ दौड़े थे, इनर व्हील के मैडम यहाँ पे है, खुद को बता रही कि सीनियर सिटीजन है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये युवा है, इसलिए जो है उनको विशेष ये युवा वाला जो जज्बा है यही जो है चलने को दौड़ने को मजबूर करता है। और मैडम के लिए विशेष तालियां होनी चाहिए, इन्होंने ये पूरी दौड़ कंप्लीट की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अंडर द एज ऑफ 40 है लेकिन मैं युवा जो है मैडम को कहूँगा कि इन्होंने ठाना कि मैं दौड़ के आऊँगी चलूँगी, कितना समय लगा दिस आधा घंटे में तो वो चल के आ गई। यही है क्योंकि स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया फिट इंडिया जो है ये इसी के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा अंग है जो हमारे कहीं ना कहीं छूट गया है जिसपे हमको ट्रैक पे लाना है। और गुड हेल्थ इज एन हैबिट, ये नहीं है कि आपने स्कूल में खेला इसलिए आप जो स्वस्थ रहेंगे। आज बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने खेल छोड़ दिया फिर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तो अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए एक अच्छा हैबिट होना जरूरी है और दौड़ना एक उत्तम व्यायाम है। किसी को अगर अपने आप को फिट रखना है तो एट द एज ऑफ 70 साल तक फौजी सिंह दौड़ते हैं, बहुत सब आई थिंक बहुत 90 के करीब है वो, ठीक है। तो ये इतने सब लोग दौड़ सकते हैं तो हम भी दौड़ सकते हैं। मैं सारे युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग दौड़े और मैं समझता हूँ कि सब लोग जो है स्टार्स लेके आएंगे यहाँ पर, पूरी चंपारण का नाम जो है स्टार्स लेके आएंगे यहाँ पर, पूरी चंपारण का नाम जो है रोशन करते हैं। सभी प्रशासन की टीम है, SDO साहब को विशेष धन्यवाद, पूजा डिप्टी कलेक्टर वो आयोजन में बहुत सहभागी की, खेल पदाधिकारी, ADM साहब, मेरे प्रशासन के सभी साथी।